आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप पधारे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका बहुत ही मुख्य उद्देश्य है, कल 25 जुलाई है और मुझे अध्यक्ष बने NSUI का कुछ मंथ हुए हैं, लेकिन चुनावी व्यवस्था के कारण मैं पदभार ग्रहण का कार्यक्रम नहीं कर पाया था। चूंकि आचार संहिता थी, हमारे प्रदेश के बड़े बड़े लीडर सब व्यस्तता में थे। कल 25 जुलाई को मेरे पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है बिड़ला ऑडिटोरियम में, प्रातः 11 बजे का हमने समय रखा है। कार्यक्रम के अंदर युवाओं की आवाज, हमारे नेता श्री सचिन पायलट जी पधार रहे हैं, साथ ही हमारे PCC के चीफ श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी पधार रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी पधार रहे हैं, साथ ही NSUI के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी, AICC से हमारे राजस्थान के इंचार्ज श्री चिरंजीवी राव साहब, साथ ही हमारे AICC से धीरज गुर्जर जी, प्रदीप नरवाल जी, विश्वविद्यालय से जितने भी हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से लेके और विधानसभा तक का सफर तय किया है, हमने सभी को निमंत्रण दिया है। साथ ही हमारे राजस्थान NSUI के पूर्व अध्यक्ष, उनको भी हमने आमंत्रित किया है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश भर से NSUI के कार्यकर्ता, सम्मानित अतिथिगण सब पधार रहे हैं, तो मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूं। साथ ही हमारा ये उद्देश्य भी है कि चूंकि पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, हमारी लीडरशिप भी वहाँ इकट्ठा हो रही है, तो हम इस आयोजन का सदुपयोग करें। देखिए, प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बन पड़े हैं, छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्रों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, छात्र संघ उनकी पूरी सहायता करता है कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय में, हर जगह पे। चूंकि छात्र संघ चुनाव नहीं होने की वजह से छात्रों को बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, कॉलेज प्रशासन तानाशाह हो गए हैं, वो छात्रों पे केस मुकदमे लगाने की धमकियां देते हैं, जब भी कोई छात्र हितों की मांग उठती है तो उनको डराया धमकाया जाता है। तो NSUI पूरे राजस्थान में कल के शपथ ग्रहण, पदभार ग्रहण के कार्यक्रम के बाद बड़ा आगाज करेगी कि आने वाले दिनों में हम जल्दी जयपुर में एक बड़ा आंदोलन रखेंगे, जिसमें हम विधानसभा घेराव का एक बड़ा आंदोलन भी छात्र संघ चुनाव को लेकर करेंगे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद NSUI प्रत्येक जिले में आंदोलित रहेगी, ब्लॉक लेवल पे आंदोलित रहेगी, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही NSUI की अब रणनीति क्या होगी, हम जल्दी जो है NSUI की कमेटियां बनाने वाले हैं। चूंकि मैं अध्यक्ष बना, उसके कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ के बाद हमने कमेटी जो है रिसफल कर दी, अब नई कमेटियां बनेंगी। वर्किंग के आधार पे हम NSUI की कमेटियां बनाएंगे, जो अच्छे कार्यकर्ता होंगे, गरीब मजदूर परिवार के जो बच्चे राजनीति में आगे आना चाहते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, मेहनती बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, NSUI उनको आगे आने का मौका देगी। विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेजों के अंदर बदहाल स्थिति है, हम देखते हैं ना तो महिलाओं की, हमारी जो बहनें पढ़ती हैं वहाँ हॉस्टल्स में सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं, हम देखते हैं कि वॉशरूम्स की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। कल भी मैं विश्वविद्यालय कैंपस के हॉस्टलों में गया सबको कार्यक्रम को आमंत्रित करने, तो वहाँ जब मैं गया तो बच्चों की बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे ज़्यादा वहाँ के वार्डन, विश्वविद्यालय की जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, उनकी तानाशाही, उनका खाना, उनकी कैंटीन, वॉशरूम की समस्याएं, क्योंकि महिलाओं के लिए वॉशरूम की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे निकल के आए। बॉयज हॉस्टल में गया तो जर्जर स्थिति पड़ी हुई है हॉस्टलों की, कब छत गिर जाए, कब कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो इस पे भी जो है NSUI आंदोलित रहेगी। साथ ही हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं नहीं है, बदहाल विश्वविद्यालय होते जा रहे हैं, हमारे राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबकी जो रैंकिंग है शिक्षा के स्तर के रूप में घटती जा रही है, तो NSUI इस पे भी काम करेगी कि कैसे हम लोग जो हैं छात्रों की नियमित क्लासें लगवा पाएं, क्योंकि जब छात्र नियमित क्लास लेगा और जो 75% अटेंडेंस का जो फॉर्मेट है कि 75% वो क्लासों की जो है उपस्थिति जरूरी है, उस पर भी NSUI काम करेगी। जब बच्चे आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रोफेसर हैं उनको भी आना पड़ेगा, प्रोफेसर बहुत आलसी हो गए हैं,
वो पढ़ाई पे ध्यान ना देके क्लासों में जब बच्चे नहीं आते तो वो भी चले जाते हैं ना, वो बच्चों को कभी ये कहते हैं कि आपकी 75 अटेंडेंस जरूरी है, ना वो इस तरीके का कोई नियमित क्लास का दबाव डालते हैं। तो NHUI इस पे भी काम करेगी कि नियमित जो है बच्चे जो आए, 75% का जो फॉर्मेट है वो लागू हो। साथ ही जो हमारे कहीं ना कहीं आलसी प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी नियमित क्लास लें, इसके लिए भी NHUI उनको जगाएगी, आंदोलन करेगी। साथ ही हम पूरे प्रदेश में कमेटियां बना रहे हैं, बहुत जल्दी आप सबके सामने NHUI की कमेटियां आएंगी और हम मजबूती से NHUI संगठन को मजबूत करेंगे। साथ ही हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे उनको भी हम ना कहीं जो है स्कूल कॉलेज में भी NHUI को हम आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं बच्चा स्कूल में बहुत कुछ सीखता है। तो अब NHUI कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक थी, अब स्कूल में भी NHUI जो है अपनी विंग तैयार करेगी, ये भी हम कल के जो है शपथ ग्रहण के बाद घोषणा करेंगे। तो बहुत सारी नवीन घोषणाओं के साथ कल का कार्यक्रम जो है भव्य होने वाला है और ये सब मुद्दे जो हैं उस कार्यक्रम में रखे जाएंगे। और हमारी जो लीडरशिप है उससे भी हम लोग जो है मांग करेंगे कि आप भी NHUI का जो है पूर्ण समर्थन करें, पूरी ताकत दें, क्योंकि हम देखते हैं जब भी हमारे NHUI के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो उन पे संगीन धाराएं लगाई जाती हैं, उन पे FIR दर्ज की जाती है, उनका भविष्य खराब करने का काम किया जाता है। तो हम विधानसभा में जो हमारे साथी हैं जो विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति से निकल कर गए हैं उनसे भी हम लोग मांग करेंगे कि आप पुलिस के ऐसे रवैये पे, ऐसी दोहरी रणनीति पे, ऐसी राजनीति पे जो द्वेषतापूर्ण है उसके खिलाफ भी आप विधानसभा में बोलें और छात्र संघ चुनाव को भी जो है करवाने की घोषणा विधानसभा में आप लोग करें। तो मैं इन सब के साथ आप सबको कल के कार्यक्रम का आमंत्रण भी देता हूं कि कल आप सब पधारें और हमें आशीर्वाद दें, मजबूत करें और हमारी आगामी जो भी रणनीति रहेगी उसको भी आप जो है मजबूती से आप आगे पहुंचाएं। सर, देखिए कांग्रेस पार्टी ने बेशक बंद किए, NHUI तब भी उसके विरोध में थी और उसका खामियाजा हमने उस चुनाव में भुगता, कहीं ना कहीं हम विपक्ष में आ गए। लेकिन उस समय जो विपक्ष में पार्टी थी BJP, उसने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हम छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। तो हम देखते हैं कि BJP भी पलड़ा झाड़ रही है और कहीं ना कहीं हमारे जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रेमचंद बैरवा जी, वो तो बिल्कुल ही पलड़ा झाड़ चुके हैं कि ना तो हमने बंद किए ना चालू करेंगे। तो इस तरीके के बयान जो हैं छात्र छात्राओं को हताश करने वाले हैं। तो बिल्कुल प्रशंसा करेंगे, हम तो कहेंगे कि हमारा जो विरोधी पक्ष है विचारधार वैचारिक रूप से और कहीं ना कहीं BJP से संबंध रखता है ABP, वो भी आए और आंदोलन करे छात्र संघ चुनाव पे, हम तो हमको स्वागत करेंगे। अगर देखिए ये पार्टी से हटके जो है ये मुद्दा है, ये छात्रों का मुद्दा है, हमारी पार्टी ने बंद किया तब भी हम उसके विरोध में थे। अगर आज BJP सरकार चालू करती है तो बिल्कुल हम सराहना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो देखिए अगस्त में नोटिफिकेशन जारी होता है शासन चुनाव का फर्स्ट वीक में, तो अगले महीने फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी करें, हम तो बिल्कुल वो क्रेडिट ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, NHUI को क्रेडिट लेने की जरूरत भी नहीं है, NHUI का काम है आंदोलन करने का। लेकिन BJP और ABP इसका क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन वो आंदोलन करें भाई, चुनाव जो है चालू हो और शासन के चुनाव BJP सरकार कराती है तो बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम होगा। देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जब हम सत्ता में थे NHUI तब भी आंदोलन कर रही थी और BJP तब, ये ABP और BJP दोनों खामोश थे। आज जब उनकी सरकार है तब भी वो खामोश हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं भरोसा नहीं करते हैं और वो छात्र संघ चुनाव में भी बहुत भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि BJP शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ सब जगह जो है शासन के चुनाव बंद हैं। तो BJP और ABP से हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसके माध्यम से कि भाई आप जो हैं आगे आएं, मजबूती से लड़ें। सभी छात्र संगठनों से मैं आह्वान भी करता हूँ कि आप सब मजबूती से जो है छात्र संघ चुनाव को कराने के लिए लड़ाई को लड़ें। लड़ेगा
देखिए ऐसा नहीं है, मैं खुद एक गरीब परिवार से निकल के जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं है, मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, फिर भी मैं मुझे प्लेटफॉर्म मिला। मैं छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो शायद विनोद जाखड़ किसी विराम जगह में होता, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं NHY का नेशनल सेक्रेटरी बना, प्रदेश का अध्यक्ष बना, तो ये कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव ही हैं। और जो हम लोग आगे आते हैं, गरीब देहात परिवार से आने वाले मजदूरों के बच्चे जब छात्र राजनीति में आगे आते हैं तो केवल और एकमात्र प्लेटफॉर्म उनके पास ये है कि वो अपनी काबिलियत को यहाँ पे दिखा सकते हैं। हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है, लेकिन छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए एकमात्र आपको ईमानदारी, कड़ी मेहनत और छात्रों के बीच में रहने की आवश्यकता है। अगर आप इसमें सफल हो, आप इस ईमानदारी को जमीनी हकीकत पे लेके आते हो, तो बेशक आप चुनाव जीतेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं, क्योंकि दूर दूर तक मेरे परिवार का राजनीति से नाता नहीं है। और जब हम जब राजनीति की शुरुआत करने आए तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता हताश थे और कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ भी थे कि हमारे हम छोटे परिवारों से हैं, गरीब परिवारों से हैं, हमारे बच्चे राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा सपना दिखाया जाता है कि बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे, पैसे वालों के बच्चे इस राजनीति में आते हैं। लेकिन जब मेरे जैसे नए नौजवान निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इस जगह पे अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। देखिए तत्कालीन परिस्थितियां जो है, कहीं ना कहीं NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लागू होना और विधानसभा चुनाव सामने होना और बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा कहा गया कि हमारे पास कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोगों की कमी है, कार्यभार बहुत ज्यादा है, तो आप जो है एक साल के लिए चुनाव के जो है स्थगित कीजिए, तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार ने उनकी सिफारिशों को माना। देखिए वो पार्टी के लिए और सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वो फैसला जो है छात्रों के लिए गलत हुआ और उसका खामियाजा बिल्कुल हमने भुगता। इसके लिए हम एक्सेप्टेशन रखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि अशोक गहलोत जी ने भी ट्वीट करके ये कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, हमारा तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर जो है वो फैसला लिया गया था, लेकिन अब जो है सरकार को ये चुनाव चालू करना चाहिए क्योंकि अब ऐसी कोई परिस्थितियां सामने है नहीं। जी एक एक बजट पे भी कल बजट आया है, ठीक है ठीक है। ठीक है, देखिए कल मैं NHY का प्रदेशाध्यक्ष बना हूं और मुझे कुछ समय हुआ है, लंबी पार्टी की व्यवस्था के कारण थोड़ा मुझे समय नहीं मिल पाया था और पार्टी के बड़े नेताओं को समय नहीं मिल पाया था, तो मेरा कल शपथ ग्रहण है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है बिरला ऑडिटोरियम में रखा गया है, समय प्रातः 11 बजे का रखा गया है, आप सभी उसमें पधारें। हमारे प्रदेश के नेता श्री सचिन पायलट जी, हमारे PCC के चीफ श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी, साथ ही हमारे NHY के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी से राजस्थान के AICC से प्रभारी श्री चिरंजी राव जी पधार रहे हैं। हम मजबूती से कल सब छात्रों को इकट्ठा कर रहे हैं, NHY के कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे, हमारी लीडरशिप के सामने भी कल महत्वपूर्ण घोषणाएं होने वाली हैं उस मंच पे। मेरे शपथ ग्रहण के साथ साथ कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी जो NHY जो है आगामी प्रदेश में किस तरीके से रणनीति के साथ काम करेगी। और मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, यहाँ सब आप आए। हाँ देखिए सबसे पहली बात है कि हम छात्र संघ चुनाव को लेके जो हैं पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, उसके साथ ही जयपुर में एक बड़ा आंदोलन की घोषणा हम कल बिरला ऑडिटोरियम के मंच से, उस शपथ ग्रहण के मंच से करने जा रहे हैं। साथ ही जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों की कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, उनकी रैंकिंग कमजोर होती जा रही है, ये भी बहुत चिंता का विषय है।
एनएसयूआई शिक्षा को लेके भी जो है एक मुहिम चलाएगी, छात्रों के बीच में जाएगी। कॉलेज में बहुत सारी अनियमितताएं आई हुई हैं, क्लासेस टाइम पे नहीं लगती हैं, हॉस्टल की व्यवस्थाएं नहीं है, जन कल्याणकारी किसी भी प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं, एससी एसटी और ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों की जो है स्कॉलरशिप वो आती है वो समय पे नहीं आ रही है। इसको लेके हम आंदोलन करेंगे और एक नई रणनीति तैयार करेंगे और जल्दी एनएसयूआई की जो है प्रदेश की कमेटी, जिले की कमेटी भी आने वाली है, इन सबको लेके जो है हम कल बातचीत करेंगे। तो मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ कल होने वाले प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में, आप सभी आमंत्रित हैं।